आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। नैटरी में 25 सितंबर से होने वाले 3 दिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन का आज भव्य शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हो गया। शोभा यात्रा गणेश चौक बोराड़ी से शुरू होकर पूरे नगर से होते हुए वैद्य स्थल पर खत्म हुई। विधायक किशोर उपाध्याय ने इस सम्मेलन को भव्य और दिव्य बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों में नई जागृति विकसित होगी और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। उन्होंने समिति को शुभकामनाएं दी। वहीं समिति के अध्यक्ष सुषमा उनियाल ने कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हमारे सनातन धर्म और वेदों का प्रचार प्रसार करना है, जिससे नई पीढ़ी सनातन धर्म के रहस्यों को समझ सके। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। टीम यूके लाइव। मैं बहुत बधाई देता हूँ आयोजकों को, हमारा जो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय है और मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने उनके सौजन्य से जब वो केंद्र में मंत्री थे तब इसकी अवधारणा यहाँ राजेंद्र प्रसाद चमोली जी ने उनके सामने रखी और आज जो है जो ये भगवान शिव की धरती है। आप ही देखिए भगवान शिव की जटाएँ जिसमें हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि माँ गंगा ने जन्म लिया है। यहीं से वेदों का भी जन्म हुआ है, अष्टादश पुराणों का जन्म हुआ है और सांदीपनी ऋषि जो धरती है वहाँ की संस्था ने और यहाँ जो माँ गंगा ने जिस धरती को जन्म दिया है उसके बीच में एक समन्वय समझिए, जो एक अवधारणा है वेदों की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। जो विदेश से जो लोग आते थे राष्ट्राध्यक्ष, पहली बार लोग जो हैं वो मंदिरों में हमारे जो भगवान हैं उनके शरणागत हो रहे हैं, तो उस भावना को ये धरती और पल्लवित और पुष्पित करेगी। आज हमारे जो वैदिक सम्मेलन की जो शोभा यात्रा हुई, ये गणेश चौक से होते हुए पूरे नगर भ्रमण में, पूरी नगर के परिक्रमा करते हुए सुमन पार्क से होते हुए वेद स्थल तक इस शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। और ये शोभा यात्रा वेद भगवान के आयोजन में हुई और भारतवर्ष से विभिन्न क्षेत्रों से जो वेदाचार्य आए हैं, चारों वेद के वेदाचार्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद, ये प्रत्येक वेदाचार्य जी के साथ 30-30 की संख्या में वेद पाठी आए, 120 वेद पाठी आए हुए। उनके सम्मान में यहाँ पे नई टिहरी में पहली बार इतनी भव्य और सुंदर शोभा यात्रा निकली और जनता में जन जागृति हुई। और वो अपने इस वैदिक सम्मेलन का ये उद्देश्य कि वो अपने जो हमारा सनातन धर्म है वो वेदों पे आधारित है।